ये एक रिवेंज है शमे, हमारी जान को खतरे का डर। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं भाईंदर वेस्ट में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्पान हाइट, ये जो बिल्डिंग है, कल रात को यहाँ पे करीबन 9:30 बजे 303 में एक खिड़की की कांच टूटी थी। श्रीनिवास तापड़िया के घर का कांच टूटा था। जब हम वहाँ पे गए थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो 203 में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने बिल्डिंग के पोडियम में एक शेड बना के रखा था जो कि इनलीगल था। और मैंने कितनी बार मनपा में इसकी शिकायत की थी, मनपा आके तोड़ के चली गई। उसके बाद ये गुस्से में इन्होंने बाम्बू से मेरे खिड़की का कांच तोड़ा। उन्होंने एक बात और कही कि नसीब कि उस खिड़की के पास में कोई फैमिली मेंबर नहीं था, हम लोग सब थे लेकिन उससे दूर थे। अगर कांच का टुकड़ा किसी फैमिली मेंबर को लगता आँख पे या गले पे तो शायद एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जिसके बाद ये कल रात को पुलिस स्टेशन गए थे जहाँ पे पुलिस ने एक NC लिया, इनका कंप्लेन लिया और इन्हें वापस से सुबह में इन्हें भी बुलाया और जो 203 में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें भी बुलाया गया। और इनके बीच क्या हुआ, चलिए जानते हैं इनसे क्या कहना है इनका। रात को क्या हुआ था और कल आप पुलिस स्टेशन भी गए थे? कल रात को हमारे ऊपर अटैक हुआ था 9:30 बजे के करीब, और हमारा ऊपर लगते लगते बच गया था, सर फटते फटते बच गया था। और हमारे घर की खिड़कियाँ सब टूट गई थी और सारे कांच पूरे घर में हो गया था। फिर हम रात को सबको बिल्डिंग वालों को बुलाया था और सबको बताया कि इस तरह का हुआ। बिल्डिंग वालों ने बोला आप इसके ऊपर FIR दर्ज कराइए। तो हम रात को पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन जा कर के हमने वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई। कंप्लेंट दर्ज करा करके फिर साहब ने हमको बोला सवेरे आप 10 बजे यहाँ पर हाजिर होइए। और उन्होंने चंचल जी को भी फ़ोन किया तो उन्होंने पहले फ़ोन उठाया नहीं था, फिर उनका फ़ोन आया। मेरी गलती हो गई, मेरे आवेश के अंदर में मेरी गलती हो गई और यह मैंने कर दिया। क्या मामला, क्या था? मैं माफ़ी मांगता हूँ। आरोप लगाया है कि ऊपर से कचरा आता है, आप थूकते हैं, कपड़े गिरते हैं, लकड़ी की पट्टी गिरते हैं, शायद हमको कहीं किसी को लग गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यह है यहाँ कचरा कौन गिराता है यह हमको मालूम नहीं है। लेकिन वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम तो आज तक कुछ गिराया नहीं कचरा, हम एक पानी का बूंद नहीं गिरने देते हमारे घर से, एक बूंद नहीं गिरने देते हैं। भाई आती है सफाई वाली, उसको भी बोलते हैं एक बूंद नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बिल्डिंग में कौन गया था, हम कहाँ देखने को जाएंगे? ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये कचरा जो आ रहा है तो उसके बदले में हमारे सामने कचरा क्यों इकट्ठा कर रहा, क्यों शेड बार बार बना रहा है जिसको हमने 5-6 दफ़े तोड़ा दिया, फिर भी ये हमारे सामने आके कचरा करता है। और बिल्डिंग वाला कौन गिरा है इसका मतलब झूठा हमारे पर आरोप लगाता है, हम गिराते हैं। और तो यही बोल रहे थे कि कांच हमने नहीं तोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं, मनपा साथ वहाँ से गई होगी वो। ये हमने बिल्डिंग वालों को लाके सबके सामने बताया है, वीडियो भी हमारे पास में है और बिल्डिंग वालों ने आके देखा है कहाँ से आया बम्बू। हाँ, वो धमकी दिया हमारे को कि हम नीचे आ तुमको देख लेंगे, फिर इससे ज़्यादा हमारे पास एविडेंस क्या होएगा। वो तो बोलते हैं मैंने अटैक किया ही नहीं है, वीडियो हमारे पास में है, सारा प्रूफ है हमारे पास में। क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से इनको दंड मिले, बिल्डिंग की सोसाइटी कमेटी से चाहते हैं कि इनको यहाँ से सेक्रेटरी पद से हटावे। तो आपका जो चेयरमैन है, जो बाकी सदस्य हैं, उन्होंने क्या बोला? चेयरमैन साहब ने हमको बोला, चेयरमैन साहब हमारे सवेरे घर पे आए थे, बोला मैं इस काम के लिए जो काम किया इन्होंने बहुत गलत काम किया, मैं इस काम के लिए उनके साथ में नहीं हूँ, मैं कहीं पर भी उनके साथ जाऊँगा नहीं, दूँगा नहीं। और अगर इसने ऐसा किया, आप चाहते हो कि मैं रिजाइन दे दूं तो मैं भी रिजाइन देने के लिए तैयार हूं। यानी कि वो इन्होंने जो कल चीज़ें जो कल उन्होंने जो कार्रवाई जो हमारे ऊपर अटैक किया, सब बिल्डिंग वालों ने सारों ने भर्त्सना की है, कमेटी सदस्य भी हमारे घर पे आए, सब ने ये बोला ये बहुत गलत काम किया इस आदमी ने। ये तो थे श्रीनिवास जी जिन्होंने बताया कि इनके ऊपर जानबूझ के हमला किया गया था और उनका जो गुस्सा था, इन्होंने जो कंप्लेन मनपा में किया था उसकी वजह से उन्होंने किया। लेकिन अब चलिए बात करते हैं
चंचल जैन जी से, उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। हमारे घर के बाहर टेरेस है 3000 फुट का, उसमें से 300 फुट में हमने ताड़पत्री बांधा है। वो ताड़पत्री इसके लिए बांधा है कि हमारे ऊपर से लोखंड का तार, सलिया, कभी ग्लास, कभी बर्तन भी गिरते हैं और हमारे ऊपर गिरते हैं तो हमको लगती है, इसके लिए हमने बांधा है। बाकी हमने कोई जानलेवा हमला किया नहीं है। हम गुस्सा हो गए थे, थोड़ा उल्टा सुलटा बोल दिए, बस नीचे ही थे हम उनके घर पर भी नहीं गए और न उनके ऊपर कोई, हमने खाली नीचे से हमने थोड़ा आवाज़ दिया है, गर्मा गर्मी की। नहीं, हमारा ऐसा बोलना है कि म्यूनसिपल्टी वाले भी उनके घर से ही नीचे आए थे और ऊपर वापस उधर से ही गए, तो हो सकता है उसमें टूट गया हो। बट वहाँ पे कुछ कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। हाँ, तो म्यूनसिपल्टी वाले 20 लोग आए गए वहाँ से, थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे उतरे और सेकंड से वापस थर्ड पे होके बाहर गए। आप क्या चाहते हैं, वो भी आए प्रशासन, आप भी आए हो, आपने प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो सोसाइटी में बोल चुके हैं कि हमको खाली इसका रास्ता दे दो कि भाई हमारे इधर गिरे नहीं, हमको लगे नहीं, करे नहीं, नहीं तो हमारे घर में जानहानि हो गया या किसी को मार लग गया गलत सलत, तो हम क्या करेंगे? हम इनके घर में तो उधर आना जाना है नहीं, सिर्फ हमारे को ही वो टेरेस वापरना है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने हमें गालियाँ दी थी और जानबूझ के बांबू से कांच को तोड़ा गया, ऐसा उनका कहना है। गुस्से में बोला था मैं, ये मैं मानता हूँ, उसके लिए अगर होता तो मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कांच आपने नहीं तोड़ा? नहीं नहीं, कांच आपने नहीं। पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आप, उन्हें जान से खतरा है, जानता हूँ। अरे, एक ही बिल्डिंग में रहना है, पड़ोसी है, ऊपर नीचे रहते हैं और अपन मारवाड़ी आदमी है, कोई मारामारी करते नहीं है, ऐसा कुछ अपना इरादा नहीं है। जैसे कि आपने देखा, दोनों व्यक्तियों का हमने आपको वीडियो दिखाया। एक व्यक्ति श्रीनिवास जी आरोप लगा रहे हैं, वही चंचल जैन जी क्या कह रहे हैं कि हमने उनके ऊपर हमला नहीं किया था। और जो बोल रहे हैं खिड़की जो टूटी है कांच की, तो हो सकता है मनपा के अधिकारी ऊपर से गए होंगे, उनके द्वारा टूटी होगी, लेकिन ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। अब तो ये पुलिस की जांच में ही पता चलेगा कि आखिर में ये खिड़की का कांच तोड़ा कौन है, क्योंकि आज वापस से शाम को उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, एसीपी के पास। अब वहाँ पर जो भी कार्रवाई होती है, जो भी दोनों पक्षों में बात होती है, हम आपको कोशिश करेंगे कि ये दूसरा पार्ट वीडियो आपको जरूर दिखाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बॉर्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।